अरे मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, कुछ तो बताइए मुझे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आप लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बना करके दिखाने वाला फ्रेंड्स, जिसकी मदद से आप सिर्फ 12 वोल्ट की जितनी भी चीजें हैं आप मोबाइल की बैटरी से चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं आपको 3.7 वोल्ट की जो बैटरी होती है फ्रेंड, मोबाइल की बैटरी है, जो भी लिथियम बैटरी होती है फ्रेंड्स, वो सभी से 12 वोल्ट की कोई भी सामान को चलाया नहीं जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पर देख रहे हो ये एलईडी लाइट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बल्ब जो है ये इंडिकेटर लाइट लगी हुई रहती है बाइक में, तो उससे मैंने ये बल्ब को निकाल लिया है। 12 वोल्ट 10 वाट की ये बल्ब है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ मैं आपको और भी बहुत सारे लाइट्स को भी आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक ये एलईडी लेने वाला हूँ और साथ ही साथ और भी सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। और मैं आपको 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है 7 वोल्ट की, उससे भी मैं आपको इसे चेक करके दिखा दूंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये कोई भी फेक वीडियो नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि ये फेक वीडियो है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक 12 वोल्ट की ये एलईडी बल्ब है, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जो ये इन्वर्टर है 200 वाट की 12 वोल्ट कन्वर्टर है, ये भी 12 वोल्ट की बैटरी से चलती है, जो कि 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की बैटरी होती है फ्रेंड। और साथ ही साथ यहाँ पर एलईडी आप देख सकते हो, ये भी एलईडी 12 वोल्ट से ही चलती है। मैं आगे वीडियो में आपको और भी चेक करके दिखा दूंगा, जैसे कि इन्वर्टर इसे बना करके दिखा दूंगा फ्रेंड्स, सर्किट से मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड। तो यह 12 वोल्ट की बैटरी है 7 एम्पीयर की। तो मैं सबसे पहले एक एक करके जितने भी मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स लिए हैं, एलईडीज लिए हैं, वो सभी को मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे ही मैंने यहाँ टच किया है फ्रेंड, तो ये जलना स्टार्ट हो गया है। और इसका जो लाइट है फ्रेंड, वो भी काफ़ी हाई है। लेकिन आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी नहीं होगी, मुझे पता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आइडिया हमें लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और साथ साथ मैं आपको इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ, ये जो इंडिकेटर वाली लाइट है, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, ये भी एलईडी अच्छी तरह से जल रही है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको इसे बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी मुझे तुरंत से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर भी कमेंटों का रिप्लाई देता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो, जो ये 12 वोल्ट की जो दूसरी वाली लाइट है, ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है फ्रेंड। ये सभी को मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से वर्क कर गई है। आप जो लास्ट जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, वो है 12 वोल्ट का कन्वर्टर, जो कि 200 वाट वोल्ट का इन्वर्टर है। ये डायरेक्ट 220 वोल्ट आउटपुट निकालता है, जब आप 12 वोल्ट की बैटरी से इसे कनेक्ट करते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये 3 वाट की बल्ब है, मैंने इसे लगा दिया है बैटरी में और साथ ही इन्वर्टर के किट में, तो ये अच्छी तरह से ग्लो कर रही है, जल रही है। आप इस इन्वर्टर से 100 वाट का जो बल्ब होता है फ्रेंड, आप उसे भी जला सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप ये देखिए मोबाइल की बैटरी है, जिसे मैंने 2 बैटरी में कन्वर्ट किया है, मतलब एक सेल वाली बैटरी टाइप की जो होती है, लिथियम बैटरी टाइप से वो बैटरी है, और एक साथ ही नोकिया का बैटरी है। तो मैं दोनों को सीरीज में लगा देता हूँ, क्योंकि ये हम जिस सर्किट को अभी यूज में लेने वाले हैं वो सिर्फ एक बैटरी से लोड नहीं ले पाएगा, तो इसलिए मैं 2 बैटरी का यूज कर रहा हूँ। आपके पास कोई बैटरी है, लिथियम बैटरी है या इमरजेंसी वाली बैटरी है, अगर आपके पास इमरजेंसी वाली 4 वोल्ट वाली बैटरी है फ्रेंड्स, तो कम से कम आप उसे 3 लीजिएगा, क्योंकि उसमें बैकअप काफ़ी कम होता है, उसका एम्पियर भी काफ़ी कम होता है। अगर लिथियम बैटरी लेते हो तो आपको सिर्फ एक ही बैटरी की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल की बैटरी लेते हो तो आपको 2 मोबाइल की बैटरी जरूरत पड़ेगी। तो आपको दोनों को सीरीज में लगाना है, मतलब जिस तरह पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ इस तरह से सोल्डर करना है। 2 वायर मैंने इसलिए यहाँ पर लगा दिया क्योंकि मुझे आगे की सर्किट में आपको दिखाना भी है। तो यहाँ पर देखते हो फ्रेंड, ये जो बल्ब है ये मोबाइल की बैटरी से भी चल जाती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लो करेगी, एम्पियर इसका नहीं होता है फ्रेंड। मोबाइल की बैटरी का 2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर की होती है, तो इसमें जितना भी इसमें वोल्ट आएगा वो बहुत कम आएगा, जो कि आप स्क्रीन में देख ले रहे हो फ्रेंड, वीडियो में देख रहे हो। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते ही और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी फ्रेंड्स। और मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूँ फ्रेंड्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं इसलिए आपको बोलता हूँ जिससे आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको जो आपका कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करने को।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या मेरे बनाने की प्रोसेस आपको अच्छी लगती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं भी करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन्हें भी अच्छी लगेगी मुझे पता ही है वो तुरंत से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ 3.7 वोल्ट बूस्टर, जो कि इसमें 40 वोल्ट आउटपुट निकालता है। फ्रेंड्स सच में मानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ आप एक मोबाइल की बैटरी लगाओगे, लिथियम बैटरी लगाओगे, तो इसमें हमें 40 वोल्ट मतलब 40 वोल्ट हमें आउटपुट मिलेगा, जो कि यहाँ पर आप इस देख रहे हो इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर आपको इसे लेना है फ्रेंड्स तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी दे दे रहा हूँ, आप वहाँ पर से जा करके इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। और ये जो मुझे मिला है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 100 रुपीज़ में मिला है। अगर आप अभी तुरंत से इसे परचेस करते हो तो आपको ये कम दाम में ही मिल सकता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं स्विच का यूज में लेने वाला हूँ। तो स्विच का कनेक्शन आपको पता ही है फ्रेंड, और आउटपुट का इसमें प्रिंटेड होता है फ्रेंड्स, जो ये मैं जो बूस्टर ले रहा हूँ ये पहले से प्रिंटेड रहता है। आप जो यहाँ पर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो छोटी सी बॉक्स है इसमें जो एक स्क्रू लगा हुआ है, नट जो लगा हुआ है, इससे ये 12 वोल्ट मतलब ये कितनी भी वोल्ट आउटपुट निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 40 वोल्ट तक ही ये आउटपुट निकालेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड, अब यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन कर दिया, अब जो ये LED आप देख रहे हो, LED अब ये ग्लो करने लगी है, मतलब कि सिर्फ आप मोबाइल की बैटरी से आप LED को भी चला सकते हो, साथ ही साथ आप मोटर्स को भी चला सकते हो। अगर आपको कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जल्दी उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप भी इसे ट्राई कर सकते हो। आप जो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 12 वोल्ट की जो LED बल्ब थी इंडिकेटर लाइट वाली, मैं आपको इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसे 12 वोल्ट से मतलब 15 वोल्ट तक मैंने इसे बूस्टर से आउटपुट निकाल लिया है। तो यहाँ पर यह भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। आप जो ये तीसरी वाली लाइट है ये भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, कोई फेक नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है आपके लिए और आपके पैसे भी बचेंगे फ्रेंड्स। जितनी आप 12 वोल्ट की बैटरी लेने जाओगे, 12 वोल्ट की बैटरी घर पे ही बनाओगे मोबाइल की बैटरी को कन्वर्ट करके, उससे अच्छा आप सिंपली इसी का ही यूज कीजिए। आप जो ये इन्वर्टर है, क्या इन्वर्टर भी चल सकता है इस मोबाइल की बैटरी से, तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो इन्वर्टर है फ्रेंड्स, ये भी अच्छी तरह से वर्क करने लगी है, जो लाइट है वो ऑन हो गया है। तो चलिए अब हम इसे ट्राई भी कर लेते हैं कि इससे हम बल्ब को जला सकते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो कनेक्शन मैंने कर दिया है, और ये देखिए फ्रेंड्स ये जल गया है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। जो LED बल्ब हमारी है AC वाली, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्लो कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई फेक वीडियो नहीं, मैं आपके सामने यहाँ पर टेस्ट करके दिखाया हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के लिए आपका लाइक करना बनता है फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अरे भाई उधर कहाँ देख रहे हो, कैमरे में आओ कैमरे में। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा, ये काफी अच्छी तरह से वर्क कर गया फ्रेंड्स, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी मदद से आप किसी भी सामान को आसानी से चला सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो मैं बोल नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।